सो ही एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल फैक्ट वर्ल्ड। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाली निशानेबाज अवनी लेखड़ा के बारे में, जिन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में भारत का नाम पूरी दुनिया में ऊँचा कर दिया। उन्होंने इतिहास रचते हुए गोल्ड मेडल पर अपना नाम दर्ज कराया। लेकिन दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल के बेल आइकन को दबा दें, जिससे वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं अवनी लेखड़ा के पर्सनल डिटेल्स के बारे में। तो आपको बता दें कि अवनी लेखड़ा का जन्म 8 नवंबर 2001 को जयपुर, राजस्थान में हुआ था, और 2021 के अनुसार से यह फिलहाल 20 वर्ष की हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि अवनी लेखड़ा का 11 वर्ष की उम्र में रोड एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से वह पैरालाइज्ड हो गई। दोस्तों, यदि बात करें अवनी लेखड़ा के फैमिली मेंबर्स के बारे में, तो आपको बता दें कि अवनी लेखड़ा के पिता का नाम प्रवीण लेखड़ा है, वहीं इनकी माता का नाम श्वेता लेखड़ा है। दोस्तों, आपको बता दें कि टोक्यो ओलंपिक में अवनी लेखड़ा ने इतिहास रचते हुए देश को पहला गोल्ड मेडल दिलाया। फाइनल मुकाबले में अवनी ने 249.6 पॉइंट के साथ गोल्ड मेडल पर कब्जा कर लिया। अवनी शुरुआत से ही शानदार फॉर्म में नजर आई और उन्होंने पूरे मैच में अपना दबदबा कायम रखा। अवनी भारत की तरफ से पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। अवनी ने फाइनल में 249.6 अंक बनाकर विश्व रिकॉर्ड की बराबरी की और पहला स्थान भी हासिल किया। उन्होंने चीन के झांग कुईपिंग को 248.9 अंक से पीछे छोड़ा, और आपको बता दें कि यूक्रेन की इरियाना सेतनिक इसमें तीसरी स्थान पर रहीं। अवनी पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर भारत का नाम पूरी दुनिया में गर्व से ऊंचा कर चुकी हैं, और आपको बता दें कि टोक्यो पैरा ओलंपिक में भी यह देश का पहला गोल्ड मेडल था। पैरा ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली वह तीसरी भारतीय महिला भी हैं। दोस्तों, यदि बात करें अवनी के पैरालाइज होने के कारण के बारे में, तो आपको बता दें कि अवनी और उनके पिता 2012 में धौलपुर में रहते थे। उसी दौरान वह जयपुर से धौलपुर जा रहे थे, तो सड़क दुर्घटना में पिता और पुत्री दोनों घायल हो गए। प्रवीण लेखड़ा तो कुछ समय बाद स्वस्थ हो गए, लेकिन अवनी को 3 महीने अस्पताल में बिताने पड़े। फिर भी रीढ़ की हड्डी में चोट के कारण वह खड़े होने में और चलने में असमर्थ हो गई। अवनी ने बताया कि इसके बाद वह बहुत निराशा से भर गई और अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया। माता पिता के सतत प्रयासों के बाद अवनी ने आत्मविश्वास को वापस जगाया और अभिनव इंदिरा के बायोग्राफी को देखकर उनसे प्रेरणा ली। आपको बता दें कि अवनी ने एक्सीडेंट के बाद उनके पिता ने उन्हें अभिनव इंदिरा की बायोग्राफी ला कर दी। उनसे उनकी निशानेबाजी में रुचि जगी और वह घर के पास ही स्थित शूटिंग रेंज पर जाकर अभ्यास करने लगी। उन्होंने बताया कि कोच के निर्देशन के अनुसार अभ्यास करने के साथ मैंने अपना 100% देना शुरू किया और उन्हें सफलता मिलती चली गई। दोस्तों, आपको बता दें कि अवनी के कोच ने बताया कि अवनी में गजब का आत्मविश्वास है, और वह इसी आत्मविश्वास के दम पर शूटिंग में रजत पदक और पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर खुद को साबित कर चुकी हैं। दोस्तों, यदि बात करें अवनी के धर्म के बारे में, तो आपको बता दें कि अवनी हिंदू धर्म से बिलोंग करती हैं, वहीं इनकी जाति है राजपूत। दोस्तों, यदि बात करें अवनी के फिजिकल स्टैट्स के बारे में, तो आपको बता दें कि अवनी का हाइट है करीब 5 फीट 2 इंच, वहीं इनका वजन है करीब 55 किलोग्राम। यदि बात करें इनके आई कलर की, तो इनका आई कलर है ब्लैक, वहीं इनका हेयर कलर भी है ब्लैक। दोस्तों, यदि बात करें अवनी के नेटवर्थ के बारे में, तो आपको बता दें कि अवनी का नेटवर्थ है करीब 10 से 15 लाख रुपए सालाना। वहीं दोस्तों, बात करें इनके कार्स कलेक्शन के बारे में, तो आपको बता दें कि अवनी के पास एक हुंडई क्रेटा कार है जिसकी कीमत है करीब 15 लाख रुपए। तो दोस्तों, यह थी अवनी लेखड़ा के बारे में शॉर्ट लाइफ स्टाइल वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद।